नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। देर रात एक जबरदस्त हादसा होता है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बताया जा रहा है। जो चालक है उसको मौके से पकड़ भी लिया है। आप देख सकते हैं ये बोलेरो है, ये पिकअप ट्रक है, जो लगातार आगे की तरफ से बताया जा रहा है कि सारे बिजली के जो पोल है, बिजली के जो खंभे है, उनमें टक्कर मारता हुआ आता है। और यहाँ पर इस घर पर जो है जबरदस्त तरीके से टक्कर लगती है। रात को बताया जा रहा है कि एक बाइक चालक को भी टक्कर लगी है, हालांकि बाइक चालक सुरक्षित बताया जा रहा है, जिसके बाद से रात से ही पूरे इलाके की बिजली गुल है। ये तस्वीरें आपको हाँसी रोड करनाल से दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि कैथल की तरफ जो है ये पिकअप जा रहा था, ये बोलेरो जा रहा था, और जो चालक है उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, शराब पी हुई थी। मौके पर सदर चौकी से जो इंचार्ज है वो भी पहुंच जाते हैं, HR64A9724। जो चालक है उसको पकड़ लिया गया था रात को ही। और जो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मीटर और बिजली विभाग से जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और पूरी क्षतिग्रस्त जो है वो भी हो चुका है, क्योंकि जो पोल्स बताए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा पोल, अगर बात की जाए आगे से पोल्स में जो है टक्कर मारता हुआ है। और ये जो बिजली का पोल है, बिजली का जो खंभा है, उस पर मीटर्स लगे हुए थे सारे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है, सारी बिजली की तारें टूट जाती हैं, सारे मीटर खत्म हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे की तरफ से जो है ये टक्कर लगी है। आप देख सकते हैं ये जो मकान है इसमें जाकर ये ट्रक रुकता है। और देर रात लगभग 12 बजे का जो है ये हादसा बताया जा रहा है, और बुरी तरीके से रात को भी निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन रात को जो है मौके पर आप देख सकते हैं क्रेन बुलाई गई है, तब जो है नहीं निकल पाता। अब जाकर पहले जो है बिजली के पोल को हटाया गया, उसके बाद जो कर्मचारी पहुंचे हैं, जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के कर्मचारी भी हैं, क्योंकि पूरे इलाके की जो है बत्ती गुल बताई जा रही है। और किस तरीके से जो घर है उसकी जो सीढ़ियां हैं उसमें जाकर ये जरूर टकराया है, और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त जो है हुआ है, खुद भी पूरा जो है पिकअप टूटा हुआ है। जो बताया जा रहा है कि चालक कैथल की तरफ जा रहा था, पीछे से आया है, पीछे जो हाँसी मुनक रोड पड़ता है वहाँ से निकला था, और चालक जो है कैथल की तरफ निकल रहा था। फिलहाल इस तरह के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में एक बड़ा हादसा ज़रूर हो सकता था, क्योंकि सबसे बड़ी बात देर रात जो है 12 बजे यह हादसा हुआ। अगर थोड़ा जो अगर बात की जाए कि 8-9 बजे के तकरीबन यह हादसा होता तो ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चलती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बिजली की तारें हैं उनको भी फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि बिजली के पोल बताए जा रहे हैं कि तोड़ता हुआ आगे आता है, जिसके बाद इस घर में जो है बुरी तरीके से टक्कर लगती है। मौके से चालक को पकड़ा जाता है, सदर चौकी से जो इंचार्ज है वो यहाँ पर पहुँचती हैं, और बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक जो है चालक ने की हुई थी, कैथल की तरफ जा रहा था रात को, एक बाइक सवार को भी टक्कर मारता है। गनीमत ये रही कि वो बाइक सवार जो है बाल बाल बच जाता है, और मौके पर उस वक्त जो है तमाम पुलिस की टीम पहुंचती है। फिलहाल चालक को पकड़ लिया गया था, देर रात ही पकड़ लिया गया था, और अब जो पूरे इलाके की कहीं ना कहीं बिजली आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाधित हुई है, क्योंकि सारी तारें और बिजली के जो पोल हैं वो बुरी तरीके से जो है टक्कर लगे हैं, बुरी तरीके से टूट चुके हैं। फिलहाल जो कर्मचारी पहुंचे हुए, चाहे बिजली विभाग की बात की जाए, क्रेन मौके पर पहुंची है, इसको जो पिकअप है बाहर निकाला गया है। और किस तरीके से एक बार फिर से आपको पिकअप का नंबर बता दें, HR64A9724। जी हाँ, 9724। फिलहाल इसको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इस तरफ से अगर बात की जाए फिलहाल इस तरफ से जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। दूसरी लेन जो है वो डबल साइडेड चल रही है, और अपने आप में ही कहीं ना कहीं हादसों की वजह बन सकती है। जी हाँ, फिलहाल इसको हटाया जा रहा है, इस जो है मकान में बुरी तरीके से भिड़ जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारी तारें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है एक व्यक्ति की वजह से, जो ड्रिंक कर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद बुरी तरीके से सारे बिजली के पोल तोड़ता हुआ निकलता है, एक बाइक सवार को टक्कर मारता है, फिर मौके पर जो है उसको पकड़ लिया जाता है, सदर चौकी लेकर जाया जाता है। कैथल बताया जा रहा है कि वो जा रहा था, और ये जो है पिकअप है रात से ही यहाँ पर था, और रात से ही इलाके की जो बिजली है वो बुरी तरीके से बाधित रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर
बिजली को जो है ठीक भी करने के लिए पहुंचे हैं और फिलहाल इस पिकअप को भी यहां से हटाया जा रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं यूएचबीवीएन से जो कर्मचारी हैं वो जरूर यहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से नुकसान कितना ज़्यादा उसने किया है अगर बात की जाए। इस तरीके के मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं कि ड्रिंक कर कर जो है गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं और इन हादसों में बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ये गनीमत है कि रात 12 बजे ये हादसा होता है जिसके बाद जो एक बाइक सवार को बताया जा रहा है टक्कर बची है लगाई थी जिसके बाद वो बाल बाल बच जाता है। और हासी रोड की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल जो है कितने जो लोग हैं कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जुट गए हैं अपना काम करने के लिए क्योंकि पूरे इलाके की जो बिजली है वो किस तरीके से रात से ही गुल हो जाती है। पोल तोड़ जाते हैं, जो बिजली के पोल हैं वो सारे तोड़ जाते हैं। आगे देखेंगे तो आपको बिजली के पोल जो है वो नज़र आ जाएंगे। इसके ऊपर मीटर्स लगे हुए थे उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है वो देखिए जी। पोल्स वगैरह सभी जो है यहाँ पर लगाया जाएगा, फिर से पोल लगाए जाएंगे, सारे मीटर्स यहाँ पर फिर से लगाए जाएंगे। एक बार जो मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर लेंगे कि कितना कुछ समय यहाँ पर उन्हें लगने वाला है और सबसे बड़ी बात कि कितना नुकसान जो है उन्हें यहाँ पर हुए हैं। क्रेन जो है फिलहाल मौके पर जरूर बुलाई गई है। हासी रोड गली नंबर 14-15 जो है ये बताई जा रही है जहाँ पर ये जबरदस्त जो है हादसा हो जाता है। एक बार आप देख सकते हैं कि बिजली का जो पोल है उसको फिलहाल यहाँ पर फिर से लगाया जाएगा और जो तमाम मीटर्स हैं जिसके ऊपर मीटर्स लगे हुए थे वो सारे टूट चुके हैं, सारी जो तारे हैं वो टूट चुकी है। एक बार जो यहाँ पर कर्मचारी पहुँचे हुए उनसे जानकारी ले लेंगे। सर क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है बिजली विभाग का? काफ़ी नुकसान है मैम, डेढ़ दो लाख का। कितने पोल तोड़े हैं इसने? एक ही पोल है फिलहाल तो जी, मीटर वगैरह जी। इसमें सारे मीटर कितने मीटर लगे हुए हैं? मीटर कम से कम 10-12 मीटर है जी आपके सामने। क्या लगता है कब तक बिजली हो पाएगी चालू? डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे। हाँ जी मैम। तो पीछे से और भी तो एक बार जो है आपको ये भी दिखा दें कि कितने ज़्यादा मीटर्स का नुकसान हुआ है, बिजली विभाग का नुकसान हुआ है। जो बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख हो सकते हैं क्योंकि तारे आप देख सकते हैं और पोल फिर से लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से अपील रहे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ये मामला अपने आप में एक बड़ा मामला हो सकता था। रात 12 बजे की ये घटना है जहाँ पर पोल को तोड़ता हुआ आता है, 12 बजे ही बताया जा रहा है कि टक्कर लगती है। और आप सर यहीं रहते हो, कैसे हुआ था हादसा? देखा था रात को 11:30-12 बजे ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी, इधर से आया मुनक रोड से आया, एक मोटरसाइकिल वाले को बचाते हुए ने इससे पहले इससे टकराई, टकराने के बाद सीधी खंभे में लगी, कार का शीशा भी टूटा इनका। तो मौके पुलिस भी आ गई, डायल 112 वगैरह भी आ गई, सदर चौकी से मैडम भी आ गए। उनके आने के बाद काम से बिजली नहीं है ले गया हॉस्पिटल, ले गया उसको ड्राइवर और बाइक वाले को हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ है तो हॉस्पिटल में आने। तो सर रात से बिजली नहीं है? रात से बिजली कटवा दी हमने, कट लगवा दी बिजली क्योंकि नुकसान होने का चरण था। ये लग रहा था देख के कि उसने मतलब ड्रिंक की हुई है शराब, ड्रिंक भी रखी थी, फुल ड्रिंक भी रखी थी उसने। ड्रिंक की हालत कैसी है? ड्राइवर हॉस्पिटल में है। हाँ जी, उसको सदर बाजारी चौकिया ले, मैडम है ना उन्होंने हॉस्पिटल में ले गए उनको, और जो बाइक वाला था उसको भी ले गए। फिलहाल आप देख सकते हैं जो ड्राइवर है उसको, चालक है उसको भी बताया जा रहा है कि चोटें लगती हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाड़ी में भी जो है देख सकते हैं आप पीछे की तरफ से गाड़ी में भी जो है किस तरीके से लगी है, जो पीछे का शीशा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नुकसान किस तरीके से किया। और सबसे बड़ी बात कि ड्रिंक एंड ड्राइव का ये केस होता है और रात 12 बजे का हादसा था, तो गनीमत है कि लोग और यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी जिसके चलते जो है ये बचाव हो गया। एक पोल आपको यहाँ पर भी दिखा दे कि एक पोल यहाँ पर भी है, इसको भी जो है टक्कर लगी है किस तरीके से यहाँ पर इधर से यहाँ लगने के बाद गाड़ी स्लिप करती है इससे एकदम ऐसे मार्ग को लगा, घर से निकले ऐसे कोई लेंटर टूटना, इतनी भयानक आवाज आई यहाँ से टकराते हैं, फुल डर भी ये भी टूटने बच गए, ये भी सीधे यहाँ से आग उन्हें सीधा खंभा लाइटें सब तोड़ दी। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर हिट करता है बताया जा रहा है पूरी तरीके से, जो चालक है उसने शराब पी हुई थी, आ रहा था कैथल जा रहा था, कैथल अपने त्यौहार थे, लोडेड भी था इसमें या खाली गाड़ी थी? बिल्कुल करनाल की गाड़ी है, अपने कैथल अपने वहाँ त्यौहारों के लिए घर जा रहा था, रात मालिक आ गए थे, पुलिस ले गई इनको, बच्चे उठा दिए।
तो फिलहाल हर बार जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो यही कहा जाता है कि सावधानी से गाड़ी चलाएं और ड्रिंक कर शराब पीकर गाड़ी और बिल्कुल ना चलाएं। कितना ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है, चाहे बिजली विभाग का नुकसान हुआ है, आसपास के लोगों का नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात जो दिक्कत है अब झेलनी पड़ रही है कि बिजली लगभग अभी भी 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, बिजली जो है वापस तब आई जाएगी क्योंकि अभी यहाँ पर पोल लगाया जाएगा, मीटर्स लगाए जाएंगे, जो तारों का कनेक्शन है वो फिर से जोड़ा जाएगा। तो लगातार ये हादसे जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपनी जान भी गंवा रहे हैं, उसके बावजूद जो है इसी तरीके से ड्राइविंग की जा रही है, रैश ड्राइविंग की जा रही है, ड्रिंक एंड ड्राइव किया जा रहा है। अब लोगों से अपील रहेगी गाड़ी बहुत ज़्यादा सावधानी से जरूर चलाएं और अपना ध्यान रखें। अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के हांसी रोड से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।